ने जो सेकेंड ग्रेड टीचर वैकेंसी का नया सिलेबस निकाला है उसकी इस वीडियो में हम पता करेंगे कि हमारे आरपीएससी के सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम के फर्स्ट पेपर में क्या क्या नया ऐड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है। देखो, हमारे सेकेंड ग्रेड टीचर के फर्स्ट पेपर में पहला टॉपिक है ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसमें आपके हैं फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्राइब, इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, यही आपके इसमें है। देखो, अभी इसमें कुछ टॉपिक इन्होंने कम किए हैं। जो 2018 वाला सिलेबस था उसमें रिलीजियस कम्पोजिशन, प्लानिंग, बजटरी ट्रेड्स, ये चीजें इसमें पिछले साल वाले में थी जो इसमें से हटा दी है। और इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया जो पिछली बार नहीं था, वो है ट्राइब्स वाला, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके जो प्राचीन सभ्यता पढ़नी है हमें, कालीबंगा, आहर, गणेश्वर और बैराट, ये पहले भी थी और अभी भी है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में 8वीं से लेकर 18वीं सेंचुरी तक की, ये भी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ है। दो टॉपिक इसमें नए जुड़े हैं आपके, 1857 की क्रांति और पॉलिटिकल अवकिंग, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक पहले वाले ही हैं। अगली बात करें हम इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ये टॉपिक पहले भी था। सोसाइटी और रिलीजन, ये भी हमारे पहले टॉपिक था, जैसे लोग देवी देवता है, संत है, स्थापत्य कला है, पेंटिंग्स मतलब चित्र शैली है, चित्रकला है, मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, भाषा, ये सारे हमारे पहले भी थे। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की राजनीति से संबंधित यह टॉपिक है। इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शन, चीफ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, ये वगैरह, ये टॉपिक पहले भी थे सारे के सारे और अभी भी है। इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है आगे वाले पेज पे मैं बता रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, यानी राजस्थान विधानसभा वाला जो टॉपिक है वो नया जुड़ा है, बाकी सारे टॉपिक पहले के ही है। इसके अलावा जो अगला है हमारा करंट अफेयर राजस्थान, ये पहले भी टॉपिक था हमारे सिलेबस में और अभी भी है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा टॉपिक है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसमें से बहुत कुछ हटाया है, यानी थोड़ा कम किया है इसमें से देखो आपके कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड देयर, यानी महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, ये पहले भी था। ग्लोबल विंड सिस्टम यानी वैश्विक पवन तंत्र, ये पहले था। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पारिस्थितिकी मुद्दे, ये भी पहले था। ग्लोबलाइजेशन एंड इट इम्पैक्ट, ये भी पहले था। इसके अलावा जो हमारा पहले वाला जो सिलेबस था उसमें इंडिया एंड यूएनओ था, वो हटा दिया है। जो मेजर ट्रेड्स इन इंटरनेशनल पॉलिसीज, ये वाला टॉपिक भी हटा दिया। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिरेशन, ये जो टॉपिक थे हमारे 2018 वाले सिलेबस में, जो इसमें इस बार नहीं है, हटा दिए हैं। इसके अलावा इंडिया में क्या है, फिजिकल फीचर्स यानी भौगोलिक वर्गीकरण देखना है भारत का, मानसून सिस्टम देखना है, नदियां वगैरह देखनी है, वेजिटेशन और ऊर्जा के संसाधन, और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में देखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में वृद्धि और विकास, इसके अलावा इंडस्ट्रीज देखनी है हमें, फॉरेन ट्रेड्स इन इंडिया, ये सारा हमें देखना है। और इसके बाद में टॉपिक है हमारे भारत का संविधान 1919 से लेकर 1935 तक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है हमारे संवैधानिक विकास वाला, वो देखना है। भारत का संविधान, उसमें आम्बेडकर का क्या रोल है, इसके अलावा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो ये सारे, और इंडिया प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स मेकिंग, ये सारे पहले भी थे अभी भी है। और लास्ट में टॉपिक आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, जो पहले भी था और पूरा वोका वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसमें पहला टॉपिक है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, थर्ड लर्निंग, फोर्थ पर्सनैलिटी, फिफ्थ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इसके बाद में आता है मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लास्ट है कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन, ये सारे टॉपिक है। तो बहुत कुछ इसमें से हटा है, यानी पहले से थोड़ा सिलेबस कम हुआ है हमारे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस के बारे में था। और ये जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर, टोटल 200 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके 2 घंटे का ये टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में। और इसके साथ में मैं बता दूं नंबर का किस तरह से क्या आता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन है, इसमें से आप मान के चलो 50 क्वेश्चन तो राजस्थान के आएंगे, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा 10 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान की पॉलिटी में से, यानी गवर्नर का क्या रोल है, पंचायती राज वगैरह है, आरपीएससी ये कमीशन वगैरह है,
इनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे तो राजस्थान के 50 प्लस 10 60 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 10 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के, 70 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आएगा आपके 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आएंगे, और 10 क्वेश्चन बचाए उसमें से 10 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसमें से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस पेपर फर्स्ट का आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम, और ये एग्जाम अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है।